फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एग भुर्जी, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एग भुर्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 2 प्याज, 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे एक चॉपर में हम पहले तो हरी मिर्च कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे प्याज। ये देखिए हमारा प्याज भी कट करके तैयार है। अब यहाँ पे हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। बटर के साथ ही हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए हम यहाँ पे डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट पकाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज हल्का ब्राउन कलर हो गया है, इसे हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। साथ ही यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो ये मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं और तेल भी अलग होने लग गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अंडे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। जितने भी मसाले मैंने डाले आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट भुर्जी पसंद है तो बस इस स्टेज पे आप इसे बंद कर दीजिए और सर्व कर दीजिए। पर मुझे पूरी तरीके से पके हुए अंडे पसंद है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेती हूँ। आखिरी में हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमारी भुर्जी बन करके तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।